नमस्कार दोस्तों, ऑर्गेनिक हरियाली नर्सरी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त अशोक कुमार, गांव मंडान, तहसील तोसाम, जिला भिवानी, जो हमारी नर्सरी है। और आज हम आपको इस वीडियो में चंदन की बारीकी से जानकारी देंगे, यानी कि जीरो से लेकर और लास्ट तक की जो इन्फॉर्मेशन है वो देंगे। तो आपने अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि किसानों तक पहुँचे और एक अच्छा मुनाफे का सौदा है वो किसानों के लिए साबित हो। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि चंदन में जो है मिट्टी पानी कैसा चाहिए, क्योंकि सबसे पहले हम पौधा लगाने से पहले हमें सिलेक्शन इस चीज़ का करना होता है कि उसमें मिट्टी पानी है वो कैसा चाहिए। थोड़ा फास्टली बताऊंगा क्योंकि वीडियो लंबी ना हो। तो सबसे पहले बता दूं, मिट्टी रेतीली मिट्टी जितनी ज़्यादा होगी पौधा उतना अच्छा सर्वाइव करेगा। पानी ठहरना नहीं चाहिए, ये चंदन के लिए कंडीशन है। जहाँ पर भी चंदन लगे वहाँ पानी का ठहराव नहीं होना चाहिए। कई किसान कहते हैं कि हम चंदन लगाना चाहते हैं लेकिन हमारे यहाँ पे पानी ठहरता है। उन किसानों को बेड बना के, 4 फुट का बेड बना के और उसके ऊपर पौधा लगा दें ताकि पौधे के आजू बाजू पानी खड़ा ना रहे। मॉइस्चर पौधे में रहना चाहिए। पानी की कितनी ज़रूरत है ये बता दूँ, पौधे के अंदर नमी बनी रहनी चाहिए, ये पौधे के लिए बहुत ज़रूरी चीज़ है। अब रहता है मिट्टी का, आपको बता दिया पानी 1500 से नीचे का जो TDS है पानी का, वहाँ पर ये आराम से सर्वाइव जो है वो कर जाएगा। तो पौधे आपको दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे पीछे जो आपको दिखाई दे रहा है, और चंदन के अंदर आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है वो भी मैं आपको बता रहा हूँ। आपको मिट्टी और पानी बता दिया जाए कि 1500 से नीचे का जो TDS है वो पानी होना चाहिए, मिट्टी में पानी नहीं ठहरना चाहिए। बलुई मिट्टी में सबसे बढ़िया चलेगा, राजस्थान वाली जो मिट्टी है वैसा, रेतीली मिट्टी जो होती है वहाँ पर बहुत बढ़िया चलेगा। जो पानी जहाँ इकट्ठा होता है वहाँ पर थोड़ी तकलीफ़ होती है बारिश के मौसम में, जहाँ पानी इकट्ठा होता है वो जमीन किसान अपना बेड बना के वहाँ पे प्लांटेशन है वो कर सकते हैं। इसके बाद में आपको है वो रहता है कि ये पौधा कहाँ से मिलेगा। तो पौधा अपने पास जो ऑर्गेनिक हरियाली नर्सरी हमारी गांव मंडान, तहसील तोसाम, जिला भिवानी है, वहाँ से आप पौधा ले सकते हैं। हेल्दी पौधा मिलेगा। पौधा आपको स्टार्टिंग जो है वो 100 रुपये से हमारी जो स्टार्टिंग रेंज है, इस तरीके से एक दम ग्रीन पौधा आपको लेना है। पौधे का सिलेक्शन भी आपको ये करना है कि पौधा हेल्दी कंडीशन में होना चाहिए। जिस टाइम आप जहाँ से भी पौधा लें, पौधा एकदम हेल्दी कंडीशन में होना चाहिए, बिल्कुल ग्रीन होना चाहिए। पौधा हमारे पास स्टॉक है वो हर समय उपलब्ध रहता है, ये दिखा दूँ आपको पीछे तक है। देखो पौधा एकदम बिल्कुल ग्रीन है, मतलब बिल्कुल ग्रीन पौधा होना चाहिए। देखिए पीछे से आपको स्टॉक दिखा दूँ, मैं नज़दीक करके दिखाए भाई, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है बिल्कुल ग्रीन है वो पौधा होना चाहिए। पौधा एकदम ग्रीन होगा उतना ही आपको फील्ड पर रिजल्ट है वो ज़्यादा बेटर मिलेगा। इस तरीके से पूरा लंबे तक हमारे पास बाफर मात्रा में स्टॉक है। वैसे अगर आपको चाहिए तो एक बार बुकिंग ज़रूर करवा लें, या दूर के किसान हैं वो मेरे से एक बार पहले अपना कॉल पर बात कर लें, क्योंकि कई बार स्टॉक का अलग अलग रहता है। ये देखिए आप, मतलब जो पौधा देखोगे वो आपको एकदम बढ़िया पौधा मिलेगा। ये देखिए आप, तो आपको कितनी बढ़िया ब्राउन स्टम्प होना चाहिए। मैं बता दूं पौधे में खासियत क्या होना चाहिए, पौधे की हाइट 1.5 फीट से अबो होनी चाहिए। जो पौधे की हाइट है वो 1.5 फुट से बड़ी होनी चाहिए। जब भी आप कोई भी पौधा लें, कहीं से भी लें, 1.5 फुट से बड़ा होना चाहिए। ब्राउन स्टम्प, ये जो इसका तना है ये ब्राउन कलर का होना चाहिए, ब्राउन कलर का होना चाहिए, और बिल्कुल ग्रीन पौधा है वो होना चाहिए। ये आपको ध्यान रखना है पौधे के सिलेक्शन में, चंदन की प्लांटेशन आप करते हैं तो। इसके बाद में बता दूँ कि आपको इसमें और क्या देख रेख करनी है। पौधे में देख रेख की ज़्यादा ये है कि हमें इसमें ज़्यादा निराई गुड़ाई नहीं करनी है। इसके साथ में जो लाल मंदी आपको दिखाई दे रही है इधर, लाल मंदी प्रत्येक पौधे के साथ में होनी चाहिए। मैं आपको दिखा भी देता हूँ लाल मंदी कैसी होती है। ये देखिए आप, इस तरीके से जो लाल मंदी है प्रत्येक पौधे के साथ में वो होनी चाहिए। तो लाल मंदी का हो गया। अच्छा, कुछ ज़मींदार कहते हैं कि बड़ा पौधा चलता नहीं, बड़ा पौधा भी आप ले सकते हैं। बहुत से किसान हमसे लेके भी गए हैं, उनका रिज़ल्ट बहुत बेहतरीन रहा है, बहुत ही बेहतरीन रिज़ल्ट उनका रहा है। ये देखिए आप, ये बड़े पौधे हैं, इनके कॉस्ट बढ़ जाती है थोड़ी सी। कई जमाईदारों का मेरा फिर से बता दूं, कॉल आते हैं कि आप पौधे का रेट नहीं बताते। पौधे का रेट हम नहीं बताते, अगर आप पौधे का रेट पता करना है तो कॉल करके, जो स्क्रीन पे आप नंबर दिख रहे हैं इस पर कॉल कर सकते हैं और यहाँ से आप पौधे का रेट है वो पता कर सकते हैं। तो इस तरीके से बड़े पौधे भी आप ले सकते हैं 2.5 से 3 फीट तक, लेकिन उसका कंडीशन क्या रहेगी, पौधे की थैली है वो जो आप हमारा जो नॉर्मल पौधा, हम आपको दिखा दूँ जो नॉर्मल हमारा पौधा है ये वाला, देखिए आप इस पौधे से इस पौधे की थैली में फ़र्क देखिए, आपको दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पे कितना फ़र्क है। अगर आप बड़ा पौधे साइज़ में भी देखो, पौधे की हाइट में भी फ़र्क है, करीबन मोटा मोटी 1 फुट का फ़र्क है। तो जब भी आप बड़ा पौधा ले, बड़ा पौधा भी ले सकते हैं, उसकी हाइट में करीबन पौधे की हाइट के अनुसार उसकी थैली भी है वो बड़ी होनी चाहिए। ये तो हो गया पौधे का सिलेक्शन।
जो चंदन की आज के टाइम में एक पौधे की कीमत है तैयार होने के बाद 12 से 15 साल में, वो 1.5 से 2 लाख रुपए मिनिमम है और 2 लाख प्लस ही जाएगा। और जो भविष्य में जब 15 साल में तैयार होगा तो उस टाइम इसकी कीमत करीबन करीबन 3 गुना बढ़ जाएगी। लेकिन आज के आंकड़े के अनुसार देखिए तो 2 लाख रुपये का मोटा मोटी जो एक पौधा है वो है। तो देखिए इसके साथ में जो होस्ट लगता है वो कैजुरीना, ये वाला जो प्लांट है वो इसके साथ में लगता है, इसे बोलते हैं कैजुरीना। ये भी हम इसके साथ में लगाते हैं 5 फुट दूरी पे। आगे ग्राउंड में आपको दिखाएंगे जो हमारा चंदन लगा हुआ है नर्सरी पे किस तरीके से वो लगा हुआ है। तो ये आपको दिख रहा है, ये होस्ट है हमारे पास, होस्ट प्लांट कैजुरीना बोलते हैं। काफ़ी मात्रा में स्टॉक है, देखिए आप काफ़ी मात्रा में स्टॉक है वो हमारे पास उपलब्ध है। और हमारे जो फील्ड पर लगा हुआ है वो चंदन भी दिखा रहे हैं। बात यही कि पौधे से पौधे की दूरी क्या रखें, यानी कितने डिस्टेंस से हमें पौधा है वो लगाना है। तो पौधे जो लगाने का गैप है पौधे से पौधा, यानी चंदन से चंदन हमें रखना है 10 फीट वाला गैप, और बीच में लगाना हमें होस्ट प्लांट, ये वाला 5 फुट दूरी पे लगेगा होस्ट प्लांट। ये ज़्यादा से ज़्यादा दूरी हम 5 फुट रख सकते हैं और कम से कम इसको 3 फुट पे हम लगा सकते हैं। तो ये दूरी रखनी हमें, पौधे से पौधे की दूरी रखनी है 10 फीट। और हमें लाइन से लाइन, जो ये लाइन है और इससे अगली लाइन है, मैं भाई को कहूँगा दिखाए, पौधे से यानी कि अगली लाइन जो लगेगी उसका गैप हमें 15 फीट का रखना है। यानी कि पौधे से पौधा 10 फीट और लाइन से लाइन की दूरी है वो 15 फीट पे हम इसकी प्लांटेशन करनी है। एक चंदन एक होस्ट, एक चंदन एक होस्ट, इस तरीके से लगाना है। अब बात करते हैं इसमें होस्ट कौन सा लगाना है। तो देखिए सबसे बढ़िया जो होस्ट है उसको कैजुरीना, इसको सरू भी बोलते हैं कई जगह, कैजुरीना है। इसकी काफ़ी अच्छी ग्रोथ होती है। कई किसान पूछते हैं इसको ही क्यों लगाएं, तो ये पूछते हैं कि कैजुरीना ही क्यों लगाएं। तो कैजुरीना डबल ग्रोथ वाला पौधा होता है, इसकी ग्रोथ है वो सुपर फास्ट ग्रोथ होती है। कई किसान बोलते हैं कि हम एक के साथ एक लगाएं, एक बीच में गैप कर दें, यानी कि 2 चंदन के बीच में एक लगा दें, फिर गैप छोड़ दें, फिर 2 के बीच में एक लगा दें। तो कभी भी ये गलती मत कीजिए, एक चंदन के साथ में एक करें। बहुत से किसान कहते हैं कि हम इसके साथ में और भी कुछ लगा सकते हैं। देखो लगाने को कुछ भी लगा लो, लेकिन जो इसके साथ में पौधा सर्वाइव करेगा ना वो किसी और के साथ में नहीं करेगा। इसके साथ में आप कैजुरीना, देसी नीम, देसी बबूल, ये आप लगा सकते हैं, बढ़िया होस्ट में है। बाकी जो लगाएगा ये पौधा उसी से भी काम चलाएगा, लेकिन जो हमें चाहिए वो चीज़ नहीं मिलेगी। एक बात और बताना चाहूँगा जो किसान भाइयों को, कि हमें चंदन तैयार करना है होस्ट नहीं। बहुत से किसान कहते हैं कि हमें होस्ट से भी इनकम मिले। अगर आपको होस्ट से इनकम चाहिए तो अकेला वही लगा दो जो आपको चाहिए, चंदन लगाने के आप रहने दें। अगर आप चंदन चाहिए तो चंदन के साथ ऐसा चीज़ लगाएं जो चंदन को पूरा खुराक दे, पूरी न्यूट्रिशन दे उसको जो चाहिए। तो आप और कोई विकल्प आप अगर चाहें तो कर सकते हैं, मैं किसी को बाध्य नहीं करता। लेकिन जो आप बढ़िया जो चंदन के लिए होस्ट है, देसी नीम, सरू और देसी बबूल, ये 3 सबसे बढ़िया होस्ट है। बाकी आपकी मर्जी है जो आप लगाएं, मैं सबसे बढ़िया जो है उनका आपको सजेशन दे रहा हूँ। और इसमें खाद पानी कुछ ज़्यादा हम पहले डाल नहीं सकते, गड्ढे को हम पौधा लगाने से पहले 15-10 दिन पहले अगर गड्ढा खोद के तैयारी कर लें तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। और चंदन हमारे पीछे है, बात कर रहे थे हम होस्ट की, तो होस्ट इसके साथ में जो शुरू हो वो लगाना ज़रूरी है। कहते हैं कि हम बाद में लगा देंगे, सबसे बढ़िया रहेगा आप चंदन के साथ में ही होस्ट प्लांट लगाएं। कहेंगे क्यों लगाएं, वो इसलिए लगाएं जब तक आपका चंदन इसके साथ में होगा तो 1 साल का इसको टाइम लग जाता है आपस में कनेक्टिविटी बनाने में, यानी कि इस चंदन से इस चंदन का आपस में कनेक्टिविटी बनाने में 1 साल का समय रहता है। अगर आपने ये 1 साल बाद में लगाया तो उसको 1 साल का समय और लग जाएगा। तो अगर 1 साल में ये इसके साथ में जो खुराक बनाने में वो टाइम लग जाएगा। और जो चंदन है उसके बाद में कुछ जिम्मेदारों का क्वेश्चन होता है कि इस पर सांप आते हैं, तो ऐसा कुछ है नहीं। जहाँ पे हमारा फार्म है, जो हमारी नर्सरी है, यहाँ 1.5 एकड़ में हमारा चंदन लगा हुआ है, बहुत बढ़िया सर्वाइव कर रहा है। पीछे देखिए आप, यह स्टंप भी आपको मैं दिखा दूँ, ये देखिए आप कितना इसका मोटा स्टंप है, वो हो चुका है। ये देखिए आप कितना मोटा स्टंप हो चुका है, और इसकी हाइट भी 2 साल के पौधे की काफ़ी हाइट है इसकी जा चुकी है। एक और सभी पौधे चंदन के, मैं फिर बता दूं, एक जैसे नहीं चलते। बहुत से किसान कहते हैं हमारा कुछ छोटा रहेगा कुछ बड़ा रहेगा, तो सभी पौधे एक जैसे नहीं होते। ये देखो ये इसके साथ में लगा हुआ है, इसकी प्लांटेशन भी साथ की हुई है, लेकिन जो इसकी हेल्थ है वो इसकी हेल्थ नहीं है। तो ये ऐसा होता है, सभी पौधे अच्छे से सर्वाइव नहीं करते, कुछ बाद में चलते हैं, लेकिन सब हो जाएंगे बाद में, 1-2 साल बाद में सब अपनी अच्छी ग्रोथ पर आ जाएंगे। और इसके साथ में आपको बता दूँ, जहाँ से भी पौधे ले बढ़िया कंडीशन में ले, फिर बता दूँ हमारी नर्सरी ऑर्गेनिक हरियाली नर्सरी, गांव मंडान, तहसील तोसाम, जिला भिवानी जो नर्सरी है, यहाँ पे आपको बढ़िया किस्म के सभी पौधे मिलेंगे। लेकिन चंदन अपना स्पेशलिस्ट है, तो चंदन में आपको किसी तरीके की पौधे में कोई ऐसी कमी नहीं मिलेगी कि आपको बढ़िया पौधा ना मिले।
चलने का परसेंटेज रेशो फिर बता दूं, अगर आप 100 पौधों की प्लांटेशन करते हो तो 80 से 100 के बीच में परसेंटेज रेशो रहता है। अगर आप देखरेख करते हो तो अच्छे से देखरेख करते हो तो 100 पौधों में से 80 से ज़्यादा पौधे चलेंगे। अगर आप केयर नहीं करते हो तो आपका एक भी पौधा नहीं चलेगा। ये नहीं कि लगा के छोड़ दिया पौधा चल गया, ऐसा चंदन में नहीं है। जैसा नींबू मौसमी आम में होता है वैसा नहीं है, हमने लगा दिया और पौधा अपने आप से ग्रोथ कर गया। आपको थोड़ा सा इस पर केयरिंग की ज़्यादा विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। ये पौधा आप देख सकते हो हमारे पीछे लगे हुए हैं, पूरे लंबे तक आपको दिखाई दे रहा है। अगर आप चाहते हो चंदन की खेती करना तो यहाँ पे आके विजिट कर सकते हो, हमसे समझ सकते हो, ट्रेनिंग ले सकते हो और यहाँ पे आपको पूरी बारीकी से जानकारी दी जाएगी। पौधा किस तरीके से लगाते हैं वो इन्फॉर्मेशन भी आपको दी जाएगी। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। जो हमारी नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें आपको दिखाएंगे चंदन के पौधे की प्लांटेशन वो किस तरीके से करते हैं और उसके लगाने का समय की बात और कर दूँ तो समय इसका अपना जुलाई से लेके नवंबर तक प्लांटेशन होगी, फिर फरवरी में इसकी जो है वो प्लांटेशन होगी। समय के बारे ये बहुत ही बढ़िया समय चल रहा है इसका, जुलाई से अगस्त में और भी बढ़िया समय आ जाता है, टेम्परेचर थोड़ा डाउन आ जाता है। इसको टेम्परेचर कैसा चाहिए ये भी बता दूँ, इसको टेम्परेचर चाहिए अपना 5-6 डिग्री तक ये सहन कर लेता है और ऊपर अपना जो टेम्परेचर है 47-48 डिग्री तक इसको कोई भी दिक्कत नहीं आती है, तो ये भी आपको बता दिया है। तो जो किसान हैं चंदन की खेती करना चाहते हैं और जानकारी चाहते हैं तो आप हमारे नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, हमारे जो फार्म है वहाँ पर आके विजिट कर सकते हैं। और जो पंजाब और राजस्थान के किसान हैं उनको हमारा डिस्ट्रिक्ट जो भिवानी है वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है, वो हिसार और राजगढ़ जो हमारे नज़दीक लगता है वहाँ से डायरेक्ट आ सकते हैं। और जो उत्तर प्रदेश चंदन की खेती करना चाहते हैं वो यहाँ पर आ सकते हैं। मेन रोड पर हमारी इंडस्ट्री है, बिल्कुल टावर के सामने आपको दिखा दूँ, मेरे यहाँ पर केवल एक ही टावर है, वो ऑन रोड है और टावर के बिल्कुल सामने जो हमारी नर्सरी है, तो आप यहाँ पे आके भी हमारे यहाँ पे विजिट कर सकते हैं। मेन बस स्टैंड पे है, यहाँ पे आपको पूर्ण जानकारी दी जाएगी और चंदन की खेती बारे में और भी डीपी लेवल तक आपको बताया जाएगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।